सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में गर्मा गर्म सूप पीने का अपना ही मज़ा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी डिश, वेज सूप। वेज सूप बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है और वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेज सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। सब्जियाँ यहाँ आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज ली हैं, 2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई यहाँ टमाटर लिए हैं, 2 चम्मच ही मैंने यहाँ हरे मटर लिए हैं। ये फ्रोज़न मटर हैं, आप चाहें तो ताज़े मटर भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ली है, 2 चम्मच ही मैंने यहाँ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, 2 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर ली है, 2 चम्मच मैंने यहाँ स्वीट कॉर्न लिए हैं, 2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई यहाँ फूल गोभी ली है और 2 चम्मच ही मैंने बारीक कटी हुई यहाँ बीन्स ली है। ये सारी कलरफुल सब्जियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। यहाँ आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। तो चलिए सूप बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ सूप बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें 2 चम्मच में घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी और बटर में से आप एक चीज़ लीजिए, तेल यहाँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। घी के पिघलने के बाद यह है मैंने 1/2 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है और 1/2 छोटी चम्मच ही बारीक कटी हुई मैंने अदरक ली है। अगर आपको अदरक लहसुन पसंद नहीं है सूप में तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूप बनता है। आप डाल के देखिए। तो इसे हम 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब मैंने यहाँ 1/2 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 1 मिर्च ले लीजिए। अब प्याज डाल लेंगे। प्याज को हम 10 सेकंड के लिए भून लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है। और फिर हम इसमें सारी सब्जियाँ मिक्स कर लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से भून लिया है मैंने, अब सब्जियाँ डाल लेते हैं। सारी सब्जी हम डाल लेंगे, हरे मटर को और हम टमाटर को बाद में डालेंगे, पहले इन सब्जियों को हम अच्छे से भून लेंगे। सब्जियां ज़्यादा नहीं पकानी हैं, हल्का सा हमें इनको पकाना है। इनमें हल्का सा क्रंच रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें क्रिस्पीनेस रहेगी, थोड़े से क्रिस्पी अगर सब्जियां रहेंगी तो सूप जब हम पियेंगे हल्की सी बाइट आएगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। अब मैंने यहाँ हरे मटर डाल लिए हैं। हरे मटर मैंने बाद में इसलिए डाले हैं क्योंकि फ्रोज़न मटर लिए हैं, ये हल्के से सॉफ्ट होते हैं। अगर आप ताज़े मटर ले रहे हैं तो और सब्जियों के साथ ही उनको भी आप डाल लीजिए। इन्हें भी हम पका लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर पहले से ही सॉफ्ट होते हैं तो ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। देखिए सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और 1/4 छोटी चम्मच इसमें काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूप बनेगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 4 कप पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपका आपको पतला या गाढ़ा सूप चाहिए उसी अनुसार आप इसमें पानी डाल दीजिए। अब मैंने यहाँ जो कप सूप आता है, 10 रुपये का पैकेट आता है, वो लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा क्योंकि सूप में ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ जो कप सूप होता है उसमें से 1 चम्मच मैंने यहाँ मसाला लिया है वो डाल लेंगे। ये डालने से सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसको आप इस्तेमाल करके देखिए, आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए
3 मिनट हो गई है इसे उबलते हुए, अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अब हमने यहाँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें 3 चम्मच मैंने पानी डाल लिया है, उसकी एक स्लरी तैयार की है यानी कि घोल तैयार किया है, इसे हम डाल लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से सूप में हल्की सी थिकनेस आएगी यानी कि गाढ़ापन आएगा, सूप बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा, जैसे रेस्टोरेंट में हमें सूप मिलता है बिल्कुल ऐसे ही। तो कॉर्नफ्लावर डाल लीजिए आप। और अब मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ धनिया डाल लिया है और इसे हम 1 मिनट और पका लेंगे, बस सूप बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। ये लीजिए गर्मा गर्म सूप बनकर तैयार है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है। ठंडी आ गई है, ठंडी में गर्मा गर्म सूप पीने का अपना ही मज़ा है, तो आप भी ये सूप बना सकते हैं। इतना ज़्यादा हेल्दी है कि सर्दी जुकाम से बचाएगा और डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी भी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।